क्या बक्सर में रची गई थी नीतीश कुमार की हत्या की साजिश? क्या राजनीतिक विरोधियों ने करवाया था नीतीश कुमार पर हमला? बक्सर के नंदन गांव में 18 अप्रैल 2018 को हुआ था जानलेवा हमला। बिहार के मुख्यमंत्री पर नंदन गांव में हो रही थी पत्थरों की बारिश। मर्द, औरत, बूढ़े, जवान और बच्चे सीएम के काफिले पर कर रहे थे पत्थरबाजी। राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष विद्यानंद विक्कल ने किया खुलासा। विक्कल के मुताबिक नीतीश कुमार की हत्या की रची गई थी साजिश। विद्यानंद विक्कल के खुलासे से सियासी गलियारों में मचा हड़कंप। अठारह अप्रैल 2018 को घटी एक खौफनाक घटना को बिहार के इतिहास में काले अक्षरों से लिखा जाएगा। जी हाँ, इस दिन बक्सर के नंदन गांव में सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर लोगों ने बोल दिया था जानलेवा हमला। नीतीश कुमार गांव में विकास कार्यों का जमीनी लेवल पर जायजा लेने गए थे। जिला प्रशासन और खुफिया विभाग तक को इस बात का इल्म नहीं था कि गांव में कुछ लोग कितना खतरनाक मंसूबा पाले हुए हैं। लेकिन जब ईंट और पत्थर की बारिश शुरू हो गई तो अधिकारियों के कान खड़े हो गए। सड़क के दोनों किनारों से लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफिले पर ईंट और पत्थर से हमला करने लगे। इस हमले में कई लोग घायल हो गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की गाड़ी के ऊपर भी पत्थरों की भारी बरसात की गई थी। इस पत्थरबाजी में मुख्यमंत्री को प्रोटेक्शन दे रहे कई गार्ड घायल हो गए थे। बड़ी मुश्किल से पुलिस ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इस हमले में रक्षा की थी। इस घटना के दौरान चारों तरफ अफरा तफरी मची और भगदड़ का माहौल हो गया था। अधिकारी किसी तरह से सीएम नीतीश कुमार के काफिले को सुरक्षित निकालने में लगे थे। वहीं सरपट दौड़ती हुई गाड़ियों पर भी लोग पत्थरों की बरसात कर रहे थे। घातक हमले की इन तस्वीरों को भूलना नामुमकिन है। 18 अप्रैल 2018 को इस बर्बर और घातक हमले की जांच के लिए एक आयोग का गठन किया गया था। इस जांच आयोग के अध्यक्ष विद्यानंद विक्कल ने अब एक बड़ा खुलासा किया है। वर्तमान में विक्कल राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। विक्कल ने कहा कि उन्होंने 20 पन्ने की जांच रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। उन्होंने कहा कि यह हमला राजनीतिक विरोधियों ने नीतीश कुमार की जान लेने के मकसद से अंजाम दिया था। विक्कल ने बताया कि उन्होंने इस हमले के हर एक बिंदु की बारीकी से अध्ययन कर रिपोर्ट तैयार की है। मैं मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार जी को मैं बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उस घटना के जहाँ टारगेटेड एकदम से हमला हुआ था, मारने की नीयत से हमला हुआ था, उसकी जांच करने की जिम्मेवारी हमको दी और हमारे जांच रिपोर्ट के आधार ही पर काम हुआ। आज वहाँ के दलित वर्ग के लोग हैं उनको राहत मिली, सारे लोग को बेल पर रिहा किया गया। तो उसमें अगर मैं नहीं आ रहता तो शायद चीज़ें दूसरी तरफ उलझती, लेकिन ठीक समय पर जा करके हमने जांच किया, जो रिपोर्ट दिया 20 पेज का रिपोर्ट था, एक एक आदमी उसमें शिनाख्त किए गए हैं कि कौन लोग किन कारणों से अटैक किया था। और आप देखेंगे एक बात को तो समझना पड़ेगा ना कि एक मुख्यमंत्री जो बिहार के विकास पुरुष हैं वो आते हैं तो ईंटा चलाते हो भैया मेरे, और दूसरे तरफ कोई आते हैं है ना उनके ऊपर में गुलाब का फूल उसी गांव में बरसता है, तो इस मुहावरे को तो समझना पड़ेगा। लोगों ने समझ लिया राजनीतिक दल की साजिश थी, एकदम साजिश थी। उसमें जो लोग शामिल थे निश्चित रूप से विपक्ष के लोग थे। विधानसभा चुनाव से एन पहले विद्यानंद विक्कल के इस खुलासे से सियासी पारा चढ़ गया है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी का भी विरोध किया जा सकता है। जनता को नेताओं से असहमत होने का अधिकार है, लेकिन हिंसा के जरिए अपना विरोध प्रकट करने का अधिकार लोकतंत्र में किसी के पास नहीं होता। पंजाब केसरी के लिए बक्सर से संजय उपाध्याय की रिपोर्ट।